हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, जब भी कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तो बनाएं ये डिज़र्ट, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अमेजिंग है और आप इसको 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो भी चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इधर मैंने ब्रेड ले लिया है और ये मीडियम आकार का ब्रेड है, तो इसको हम 4 पीसेस में कट करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह चाकू से हम इसको कट कर लेंगे और ज़्यादा बड़ी ब्रेड है तो आप इसको 4 पीसेस में कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए मैंने काट के तैयार किया है। तो इसी तरह से सारे ब्रेड के पीसेस को हम कट करके तैयार कर लेंगे। तो इधर देखिए, ब्रेड हमारा कट करके फ्रेंड तैयार हो गया है और चलिए अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने पैन को रख लिया गैस पे, ऑयल डाल के, ऑयल हमारा हो गया गरम और इसी में पीसेस को डाल के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड, एक एक पीस डाल के हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो देखिए, अच्छा सा गोल्डन होने लगा है। जो अच्छे से गोल्डन हो गया उसको हम पहले निकाल लेते हैं और बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से निकाल ले रहे हैं। तो जैसे टोस्ट होता है ना हमारा, वैसे ही ये बन करके तैयार हो गया है। और दूसरा बैच में मैंने इसी तरह डाल के इसको तैयार कर लिया है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और इसको सभी ब्रेड को हम निकाल लेते हैं। तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, पहले से ही रोस्ट होता है उसके बाद ही फ्राई हो जाता है जल्दी से। तो सभी ब्रेड पीसेस मैंने अच्छे से इसको तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये तैयार हो गया है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो इधर मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में डालेंगे हम दूध। तो ये गरम दूध है और इसको मैंने गरम करके रखा हुआ है, तो 2 कप हम इसमें ले लेते हैं। और 2 कप लेके हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा इसको हमको गाढ़ा करना है चलाते हुए। और फ्रेंड, चलिए अब इसमें डाल देते हैं हम चीनी। तो जितना मीठा आपको खाना है उस तरह से आप चीनी इसमें डालें। तो मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है इसलिए मैंने थोड़ी सी कम, 100 ग्राम के लगभग चीनी डाली है। और चलाते हुए हमको काफ़ी, मतलब 5 मिनट हो गया है। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं हम ये मलाई। तो 1 कप के लगभग मैंने ये मलाई ली है। तो ये दूध से जो हम लोग निकालते हैं वही मलाई है फ्रेंड। तो इसको भी चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मलाई डालते ही दूध में थोड़ा सा गाढ़ापन आने लगा है। और अब ले लेते हैं इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। तो इससे इलायची काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा सा दूध हमारा बनके तैयार हुआ है। तो अब इसमें डाल देते हैं हम कस्टर्ड पाउडर। तो 1 चम्मच मैंने लिया था और इसको थोड़ा दूध में घोल के तैयार कर लिया है। और इसको डालते जाइए, एक हाथ से इसको चलाते जाइए, नहीं तो ये तली में जाके बैठ जाता है। तो इससे कलर भी काफ़ी अच्छा आता है और दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि डालते ही दूध में गाढ़ापन आ गया, काफ़ी अच्छे से थिक होने लगा है। तो अब इसको चलाते हुए हम पका लेंगे, 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे इसको। और ये हमारा बन करके रबड़ी जैसे तैयार हो गया। तो देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गया है ये। तो ये दूध हमारा अच्छे से तैयार हो गया। तो चलिए अब इसको हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको उतार लेते हैं गैस से नीचे। और इधर मैंने ले लिया है ब्रेड के पीसेस, तो इसको इस तरह से मैंने लगा लिया। तो चलिए इसको हम डाल देते हैं। तो ये काफ़ी टेस्टी बनता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम सॉफ्ट चाहिए, तो जितने ब्रेड पीसेस लिए हैं इसको आप चाशनी में डाल सकते हैं। उसके बाद इसको मलाई को डालें, रबड़ी को। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको डाल दिया। और थोड़ा सा हम ले लेते हैं ड्राई फ्रूट, तो उससे हम इसको गार्निश करेंगे। तो देखने में और खाने में काफ़ी टेस्टी बन करके तैयार होता है, लगता है बहुत ही टेस्टी है। तो देख सकते हैं आप, काजू, पिस्ता और बादाम, मैंने 3 ड्राई फ्रूट लिए हैं। आपको बाकी जो भी पसंद है सभी इसमें डाल सकते हैं। तो उसका कलर भी काफ़ी अच्छा आता है, देखने में अच्छा लगता है और टेस्टी बहुत ही बनता है।
तो फ्रेंड इसको मैंने काजू पिस्ता बादाम से गार्निश किया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और 15 मिनट में ये बन कर के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड ज़रूर इसको ट्राई करें और बनाएं, इन्जॉय करें फ्रेंड। तो चलिए इसको हम दिखा देते हैं कट करके आपको। तो हम चम्मच से निकाल लेते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग बन कर के तैयार हुआ है फ्रेंड। तो एक बार ट्राई करने का तो ज़रूर बनता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा बन कर के तैयार हुआ, तो बहुत सॉफ्ट भी बना है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग बना है। तो फ्रेंड जो भी चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।